नमस्कार सभी प्यारे किसान भाइयों को एजीटी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने पोस्ता भाव के ऊपर पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि रकबा अगर बढ़ा तो थोड़ी बहुत हमें नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी जो एक न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है, यानी कि 2-3 दिन पहले, आज से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ से लगभग 18 तारीख के आसपास, जो एक न्यूज़ एक पेपर में छपा था कि पोस्ता आयात की अर्जी जो है हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी दिल्ली में। तो अगर यहाँ टर्की से, मेरा मतलब है कि टर्की से जो पोस्ता आयात की अर्जी थी वो खारिज हो गई थी, तो अगर इस साल हमें टर्की से पोस्ता आयात देखने को नहीं मिला तो वैसे तो भाव जो है भी 90,000 या फिर 1 लाख के आसपास पोस्ता में हमें देखने को मिल रहे हैं। टिनोपाल क्वालिटी जो है वो 1,10,000 के आसपास बिक रहा है। तो क्या इन भावों में कोई अंतर हमें देखने को मिलेगा? अगर जो टर्की से पोस्ता है वो अगर आयात नहीं होगा, तो चलिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि टर्की से कितना आयात होता है और कितना भारत में पैदावार होती है पोस्ता की, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो टेबल है इसमें आप देख सकते हैं कि कौन से साल में कितना पोस्ता का आयात हुआ है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टर्की से जो आयात होता है भारत में वो कितनी बड़ी मात्रा में टर्की से आयात होता है। अगर टर्की से आयात को रोक दिया जाए तो यहाँ पर भारतीय पोस्ता यानी कि चाइनीज़ से भी आयात के बहुत ही कम आसार हैं। तो पोस्ता का आयात अगर नहीं होगा तो पोस्ता के भावों में हमें काफ़ी और भी काफ़ी तेज़ी में देखने को मिल सकती है। तो किसान भाइयों, ये जो आपके सामने टेबल है ये रकबे की टेबल है। 2014, 15, 16, 17, 18 में कितने हेक्टेयर अफीम की बुआई हुई है। तो इस टेबल के ज़रिए हम, चलिए पैदावार के बारे में बात कर लेते हैं। पैदावार की टेबल मुझे नहीं मिली, लेकिन एवरेज अगर पैदावार की बात करें तो दशहरी किसानों को मिलती है, तो उसमें लगभग 1 क्विंटल पोस्ता की पैदावार होती है। तो यानी कि 1 हेक्टेयर में 10 क्विंटल यानी कि 1 टन, तो 5,739 जो हेक्टेयर रकबा है तो इसमें पैदावार हुई होगी लगभग 6,000 टन के आसपास। लेकिन 2018 में अगर हम आयात की बात करें तो लगभग 6,000 जो टन है वो इम्पोर्ट किया गया है भारत सरकार के द्वारा। लेकिन अगर हम 2017, 16, 15, 14 की बात करें तो यहाँ पर लगभग 2 गुना 3 गुना आयात किया गया है, यानी कि टर्की से 15,000, 14,000, 13,000 टन यहाँ पर पोस्ता का आयात हुआ है। तो एवरेज अगर हम साल की आयात की और पैदावार की बात करें तो लगभग पैदावार से 2 गुना ज़्यादा हमारी सरकार जो है आयात करती है पोस्ता का दूसरे देशों से, यानी कि चाइना से या फिर टर्की से। प्रॉपर चाइना और टर्की से ही पोस्ता का आयात होता है। चाइना से लगभग आधा, यानी कि भारत की पैदावार से आधा आयात होता है, यानी कि 3,000-2,000 टन के आसपास आयात होता है। उसके बाद टर्की से सबसे बड़ी मात्रा में जो है पोस्ता का आयात होता है। तो मैं आपको एक न्यूज़, एक आर्टिकल जो आया था अभी पोस्ता आयात की अर्ज़ी के ऊपर रोक लगाने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए ओवरऑल फैक्टर की अगर हम बात करें पोस्ता भाव की और पोस्ता पैदावार की, तो अगर भाव को मेंटेन रखना है तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो है, नारकोटिक्स ब्यूरो को जो है, 3 गुना रकबा किसानों को देना पड़ेगा। 3 गुना और ज़्यादा रकबा किसानों को अगर देती है तो भाव में लगभग स्थिरता देखने को मिल सकती है। तो यही कारण है कि भाव में भी हमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है और आगे भी हमें, जब तक पोस्ता का आयात नहीं होगा या फिर रकबा में इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक हमें तेज़ी में देखने को मिलती रहेगी। तो यही थी किसान भाइयों के लिए आज की हमारी खबर। किसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।